जान हथेली पर लेकर दुश्मन का सीना चीर दिया, देश को ये कर्ज देकर गहरी नींद सो गया। फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए, बलिदान तुम्हारा ए देश कभी नहीं भूल पाएगा। याद करेगा तुमको और वंदे मातरम गाएगा, देश में तुम एक नई ऊर्जा का बीज बो गए। फिर से वीर भारत माँ के तेरे शहीद हो गए। जय हिंद दोस्तों, शोरवीरों की धरती राजस्थान के दो गांव से हर किसी के दिल को झकाझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। सोमवार को जब पूरा देश दिवाली की खुशियां मना रहा था, तब दो मासूम बेटियां अपने शहीद पिता की चिता को मुखाग्नि दे रही थी। दोनों ही दिवाली पर अपने पापा के घर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इनके पिता घर तो लौटे मगर तिरंगे में लिपट कर और हमेशा हमेशा के लिए जुदा होकर। दो दिन पहले अरुणाचल प्रदेश हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में शहीद हुए रोहितास कुमार और विकास बांबू की बेटियां ने पिता को मुख अग्नि दी। यह नजारा देखकर हर कोई भावुक हो उठा। शहीद मेजर विकास बांबू साल 2012 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। अपने माता पिता के इकलौते बेटे विकास बांबू थे, उनकी दो बड़ी बहनें हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। खुद मेजर विकास बांबू की शादी शारदापुर गांव की श्रेया के साथ हुई थी। इनकी एक बेटी है। मासूम बेटी ने दिवाली के दिन जब शहीद की चिता को मुखाग्नि दी तो हर कोई भाव को उठा। उल्लेखनीय है कि मेजर विकास बाबू के पिता भागीरथ बाबू शिखर के पूर्व सांसद सुभाष माहिरिया के पिए रह चुके हैं। ऐसे में विकास का बचपन शिखर में बीता, वहीं पर उन्होंने पढ़ाई की। साल 2012 में वह भारतीय सेना में भर्ती हुए। 3 साल में विकास आर्मी के फ्लाइंग विंग में शामिल हुए। विकास सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी आर्मी की स्टैंड बाई टीम में शामिल रहे थे। जब भी गांव आते तो युवाओं को भारतीय सेना ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करते थे। वहीं शहीद रोहितास कुमार का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। झुंझुनू जिले के गांव पोषाणा की खेरवा में दांडी में उनका दाह संस्कार हुआ। 5 साल की बेटी रितिका ने शहीद पिता की चिता को मुख अग्नि दी। रोहितास कुमार 26 अक्टूबर 2010 को भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। उनके जैसे ही उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो चीख पुकारों से पूरा गांव गूंज उठा। शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में सियांग के लेकाबली से 5 फौजियों को लेकर भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर रुद्र ने उड़ान भरी थी। टोटिंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर सियांग जिले के गाँव सिंगिंग में एचएल रुद्र हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में राजस्थान के मेजर विकास बांबू, मेजर मुस्ताब बोहरा, रोहिताश कुमार और अश्वनी वी के और वीरेन सिन्हा शहीद हो गए। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर जवानों की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।